Hello friends, welcome to STC classes. Here I warm welcome you to the STC classes. So आप अगर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करने लें. ये मेरी क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलती है, ठीक है. तो हम अभी आपके साथ जीके जीएस का साइंस सेक्शन का ये पार्ट टू डिस्कस करने जा रहे हैं. अगर इसके पहले पार्ट नहीं देखे हो तो प्लीज़ आप उसे देख लें. और आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल बटन भी दबा दें और इस वीडियो को सिर्फ आप दो बार ज़रूर सुन लें. आपको पूरी साइंस की क्वेश्चन आपको याद हो जाएगी, ठीक है. और प्लीज़ कुछ उल्टा पुल्टा कमेंट ना किया करें, ठीक है. बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाते भाई, बहुत मेहनत लगता है, ठीक है ना. तो 1 रुपया मिलना है मुझे, तो थोड़ा सा तो रिस्पेक्ट दें. अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती तो आप छोड़ दें, मत देखें, ठीक है. बस वीडियो को दो बार देख लें, जो पैशनेटेड बंदा उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है. चलिए तो ज़्यादा समय लेते वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं. चलिए तो देखते हैं. यहाँ जो पार्ट टू है, पार्ट टू स्टार्ट होता है कंप्यूटर के फुल फॉर्म से. तो आपको सिर्फ इसको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत पूछता है. चलिए देखिए, ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. ALU का फुल फॉर्म अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. ASCII ASCII का फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. ASCII का अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. BCD का बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड. बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड. बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड. CAD CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन. CAD CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन. CD कॉम्पैक्ट डिस्क. CD कॉम्पैक्ट डिस्क. CD कॉम्पैक्ट डिस्क. CDOT सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स. 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 क्लास कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीड इन स्कूल. कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीड इन स्कूल. कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीड इन स्कूल. CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग. सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग. सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग. अगला ये DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट आइए DOS. अगला है DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग. डेस्कटॉप पब्लिशिंग. डेस्कटॉप पब्लिशिंग. ENIAC ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर. इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर. HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन. IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन. क्लियर. नेक्स्ट आते हैं हम लोग ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क. इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क. इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क. ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. वीडियो को सिर्फ दो बार देख लें, आपको पूरी याद हो जाएगी. अच्छे से कंसंट्रेशन से सुनिएगा. LAN लोकल एरिया नेटवर्क. LAN लोकल एरिया नेटवर्क. MIME मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन. मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन. MIPS मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड. MIPS मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड. मॉडेम मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर. मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर. NTP नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल. नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल. नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल. ODBC ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी. ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी. OLE ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग. ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग. SQL स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज. SQL स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज. SQL स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज. वीडियो वीडियो डिस्प्ले यूनिट. वीडियो वीडियो डिस्प्ले यूनिट. WAN वाइड एरिया नेटवर्क. WWW वर्ल्ड वाइड वेब. RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी. अगला आइए ROM रीड ओनली मेमोरी. URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. CPU सेंट्रल प्रोसेस यूनिट. CPU सेंट्रल प्रोसेस यूनिट. फाइल एलोकेशन टेबल. फाइल एलोकेशन टेबल. IC इंटीग्रेटेड सर्किट. IC इंटीग्रेटेड सर्किट. ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल. ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल. बेसिक बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. CRT कैथोड रे टेबल. CRT कैथोड रे टेबल. LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. HD हार्ड डिस्क. HD हार्ड डिस्क. CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी. कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी. OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर. OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर. MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर. MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर.
एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। नेक्स्ट आइए अगला बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल, बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल। एमएआर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एमएआर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एमएआर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। प्रॉम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई प्रॉम एरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई प्रॉम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। DBS, DBMS, Database Management System, Database Management, RDBMS, Relational Database Management System, Relational Database Management System, EDP, Electronic Data Processing, EDP, Electronic Data Processing, PC, Personal Computer, VLSI, Very Large Scale Integration, Very Large Scale Integration, IBM, International Business Machine Corporation, International Business Machine Corporation, ANSI, American National Standard Institute, American National Standard Institute, HLL, High Level Language, CGA, Color Graphics Adapter, CGA Color Graphics Adapter, VGA Video Graphics Array, Video Graphics Array। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि शरीर के कुछ मुख्य अद्भुत तथ्य हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी कि मनुष्य का हृदय 72 मिनट में 72 बार धड़कता है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मानव खोपड़ी में हड्डियाँ 8 होती है, मानव खोपड़ी में हड्डियाँ 8 होती है। मनुष्य का हृदय 72 बार प्रति मिनट, तो हो गया स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर 16 से 18 बार पर सेकेंड होता है, ठीक है, सॉरी 16 से 18 बार पर मिनट होता है। चलिए नेक्स्ट आइए, मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम तक होता है, 1350 से 1400 ग्राम। मस्तिष्क का बड़ा भाग प्रमस्तिष्क, जिसको इंग्लिश में सेरेब्रम कहते हैं, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क, जिसको इंग्लिश में सेरेब्रम कहते हैं। ब्रिक यानी किडनी का वजन 150 ग्राम, किडनी का वजन 150 ग्राम। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जो कि जांग में होती है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो कि जांग में होती है। शरीर की सबसे छोटी स्टेपेज जो कान में होती है। शरीर का सबसे मजबूत हड्डी जबड़े का, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े का। शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है, एनामिल। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 मिलीमीटर होता है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/ चलिए तो नेक्स्ट वर्ड आते हैं हम लोग, शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 मिलीमीटर होता है, मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% तक होती है, ठीक है, मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% तक। रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर। मानव रक्त का पीएच मान, क्षारीय मान 7.4 होता है, मतलब ये रक्त बेसिक नेचर का होता है। मानव रक्त का क्षारीय मान 7.4 होता है यानी पीएच मान। रक्त को शुद्ध करता है किडनी, ब्रिक। रक्त को शुद्ध कौन करता है, किडनी, ब्रिक। लाल रक्त का कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, लाल रक्त के कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, लाल रक्त के कण का मान निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त का कण जीवन काल 20 से 120 दिन, लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिन। श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन, श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट, श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। लाल रक्त कण को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट, लाल रक्त कण को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। शरीर का ताप नियंत्रक होता है हाइपोथैलमस ग्रंथि, शरीर का ताप नियंत्रक होता है हाइपोथैलमस ग्रंथि। सर्वदाता रक्त समूह ओ है। देखिए लाल रक्त कण को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट और श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट, श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट, लाल रक्त कण को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। शरीर का ताप नियंत्रक होता है हाइपोथैलमस ग्रंथि। सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए भी होता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड आता है मेरा,
रक्तचाप मापने का यंत्र स्फिग्मोमैनोमीटर, रक्तचाप मापने का यंत्र स्फिग्मोमैनोमीटर। ब्लड बैंक कहा जाता है प्लीहा को, स्प्लीन जिसको बोलते हैं। ब्लड बैंक कहा जाता है प्लीहा को, स्प्लीन जिसको बोलते हैं। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से, क्योंकि मुख में लार ग्रंथि होती है। पक्षीय भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है, पक्षीय भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। पित्त यानी बाइल स्त्रावित होता है यकृत कडनी द्वारा, लीवर यकृत में लीवर पता नहीं यार, पित्त बाइल स्त्रावित होता है यकृत द्वारा। विटामिन ए संचित रहता है लीवर में, यकृत माने लीवर होता है, विटामिन ए संचित रहता है यकृत में लीवर में। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लीवर है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड। मनुष्य में पसलियां पाई जाती है 12 जोड़ी, मनुष्य में पसलियां पाई जाती हैं 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है 206, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है 206, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होती है 639, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होती है 639। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है टाइलिन। लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोजोम पर, लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोजोम पर। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय, मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। चलिए नेक्स्ट आते हैं, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है 46। शरीर में गुणसूत्र माने क्रोमोसोम की संख्या होती है 46। शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा, शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र। और शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। शरीर में प्रतिदिन पेशाब मूत्र बनता है 1.5 लीटर, शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध करता है यूरिया के कारण, कहता है जो टॉयलेट करते हैं वो दुर्गंध करता है यूरिया के कारण। मानव मूत्र अम्लीय होता है कि बेसिक होता है, इसलिए अम्लीय होता है, इसका पीएच मान 6 होता है। मानव का अम्लीय पीएच मान, मतलब मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है, यानी एसिडिक कैरेक्टर का है, अम्लीय है। शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 310 और फारेनहाइट में 98.6 डिग्री फारेनहाइट। शरीर का सामान्य तापमान होता है, याद रखिएगा, आपको एक फॉर्मूला बताते हैं हम, C/5 F-32/9 बराबर K-273/5 = RE/4। ये एक दूसरे से कन्वर्शन का ये फॉर्मूला है, C/5 = F-32/9, K = K-273/5 = RE/4। आरी रैंक का इन, के को केल्विन, सी से सेल्सियस, एफ से फारेनहाइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है पैर में, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है पैर में। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन है, कैल्शियम और फास्फोरस। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सी है, कैल्शियम और फास्फोरस। शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है प्रोटीन से, शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है किससे, प्रोटीन से। क्लियर, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, हमारा सौरमंडल के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। कह रहा है क्या क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा और सर्वाधिक भारी ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा सबसे भारी ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। सबसे छोटा और सूर्य के निकट का ग्रह कौन सा है, बुध। सबसे छोटा और सूर्य के निकट का ग्रह कौन सा है, बुध। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह शुक्र, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन है, शुक्र। पृथ्वी और सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण, पृथ्वी और सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण। सौरमंडल का सबसे सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन है, शुक्र। सौरमंडल का सबसे चमकीला सबसे हॉट ग्रह कौन है, शुक्र। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन है, वरुण। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति, जिसमें सबसे ज़्यादा उपग्रहों की संख्या हो बृहस्पति। बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध और शुक्र, इसमें कोई उपग्रह नहीं है। लाल ग्रह और नीला ग्रह, लाल ग्रह कहते हैं मंगल को, नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को। पीला ग्रह हरा ग्रह, पीला ग्रह कहते हैं बृहस्पति को, हरा ग्रह कहते हैं अरुण को। पीला ग्रह कहा जाता है बृहस्पति को, हरा ग्रह कहा जाता है अरुण को। भोर और सांझ का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन कहलाती है, शुक्र।
चंद्रमा पर दिन तथा रात का तापमान दिन में 100 डिग्री सेल्सियस और रात को -180 डिग्री सेल्सियस होता है। चंद्रमा पर दिन और रात का तापमान दिन में 100 डिग्री सेल्सियस और रात को -180 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का व्यास कितना होता है? तो भाई 13 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख 10 लाख। तो भाई 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य का व्यास कितना होता है? 13,92,000 किलोमीटर। 13,92,000 किलोमीटर। क्लियर? अगला क्वेश्चन है मेरा, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गेनीमेड बृहस्पति का उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गेनीमेड बृहस्पति का उपग्रह। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस मंगल का उपग्रह। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस मंगल के उपग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। बलयुक्त ग्रह कौन है? शनि। बलयों की संख्या इसमें कितनी है? 7। ठीक है, नेक्स्ट आइए। सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह बुध 88 दिन में। सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह बुध 88 दिन में। सबसे अधिक समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह वरुण। पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और अरुण। पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और अरुण। सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस जिसको डॉग स्टार कहते हैं। सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस जिसको डॉग स्टार कहते हैं। नेक्स्ट आइए, सौर दिवस की अवधि कितनी होती है? 24 घंटा। सौर दिवस की अवधि कितनी होती है? 24 घंटा। सूर्य के केंद्र का तापमान सूर्य के सेंटर का तापमान 15 मेगा डिग्री सेल्सियस। मेगा का मतलब होता है 10 to the power 6। तो भाई सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मेगा डिग्री सेल्सियस और सतह का तापमान 6,000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आइए, सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 8 मिनट 20 सेकंड। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 8 मिनट 20 सेकंड। चंद्रमा का प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा 1.3 सेकंड। कहता चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा सेकंड 1.3 सेकंड। सूर्य का प्रमुख संघटक कौन है? हाइड्रोजन 74% और हीलियम 25%। कहता सूर्य का प्रमुख संगठन क्या है? हाइड्रोजन 74%, हीलियम 25%। सूर्य का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य का मुख्य स्रोत क्या है ऊर्जा का? नाभिकीय संलयन। पृथ्वी का भू मध्य रेखीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का भू मध्य रेखीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से ज़्यादा है कितना? 42 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से ज़्यादा है 42 किलोमीटर। दोनों को माइनस कर दीजिए। पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री अक्षांश। पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री अक्षांश। पृथ्वी का अक्ष पर घूर्णन पश्चिम से पूरब। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमती है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंट्रस। सबसे बड़ा तारामंडल सेंट्रस। आकाशगंगा की आकृति कैसी है? स्पाइरल। आकाशगंगा की आकृति कैसी है? स्पाइरल। सूर्य पृथ्वी से बड़ा है 109 गुना। सूर्य पृथ्वी से बड़ा है 109 गुना। सूर्य का चमकीला सतह प्रकाशमंडल। सूर्य का चमकीला सतह प्रकाशमंडल। सूर्य का बाह्यतम परत किरीट कोरोना की जिसको बोलते हैं। सूर्य के बाह्यतम परत को किरीट या कोरोना बोलते हैं। अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या 89। अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या 89। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है अभिनव तारा। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? अरुण एवं शुक्र पे। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? तो बिल्कुल जो अपोजिट मूव करता है अरुण और शुक्र पे। नेक्स्ट आइए, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी और सूर्य के निकटतम तारा। सूर्य और प्रॉक्सिमा सेंटोरी। सूर्य पृथ्वी और सूर्य का सबसे निकटतम तारा। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य और सूर्य का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगा समय 27.3 दिन। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगा समय 27.3 दिन। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाता है 29.5 वर्ष में। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाता है 29.5 वर्ष में।
अगला क्वेश्चन आइए, निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष। निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष। सूर्य के अलावा क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच, सबसे बड़ा सेरेस है जिसको नाम है क्षुद्र ग्रह सेरेस, जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। हेली पुच्छल तारा दिखता है 76 वर्षों के बाद, दिखाई देगा अगली बार 2062 में। हेली पुच्छल तारा दिखता है 76 वर्षों के बाद, अगली बार दिखाई देगा 2062 में। चंद्र ग्रहण होता है पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण तब होगा जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए, और सूर्य ग्रहण कब होगा? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाए। फिर से समझिए, चंद्र ग्रहण तब होगा जब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच आ जाए, और सूर्य ग्रहण तब होगा जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाए। फिर समझ, नेक्स्ट आइए, तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। तारे का रंग ये दिखाता है कि वो तारा कितना ज़्यादा उसमें टेम्परेचर है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन है मेरा पर्यावरण से रिलेटेड, कि वायु है क्या गैसों का मिश्रण जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ठीक है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। पृथ्वी के सबसे करीब का मंडल क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। पृथ्वी के सबसे करीब का मंडल है ट्रोपोस्फेयर, जिसको क्षोभ मंडल बोलते हैं। मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है? क्षोभ मंडल में। मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है? क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि होती है ग्रीष्म ऋतु में। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि होती है कब? ग्रीष्म ऋतु में। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि होती है ग्रीष्म ऋतु में। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से घट जाता है। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप 1 डिग्री सेल्सियस से घट जाता है। क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस घटता है। क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस घटता है। ग्रीन हाउस गैसें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ग्रीन हाउस गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायु में जल की उपस्थिति आर्द्रता जिसको मेजर करते हैं हाइग्रोमीटर से। भाई हाइग्रोमीटर आर्द्रता का मेजरमेंट करता है। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती आर्द्रता जिसको मेजरमेंट करते हैं हाइग्रोमीटर से। भूमंडल पर जल स्वच्छ है 71%, जो कि स्वच्छ जल क्षेत्र का 2.5 भाग है। कहता है भूमंडल पर जल भाग है 71%, जो कि स्वच्छ जल क्षेत्र है 2.5 भाग है। कहता है वातावरण तथा जीव मंडल के बीच संबंध है पारिस्थितिकी का। वातावरण तथा जीव मंडल के बीच संबंध है पारिस्थितिकी का। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण होता है जीवाणु द्वारा। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण होता है जीवाणु द्वारा। जीव मंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत है सौर ऊर्जा। जीव मंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत है सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, फलीदार पौधों के जड़ में पाया जाता है राइजोबियम जीवाणु। फलीदार पौधों के जड़ में पाया जाता है राइजोबियम। नेक्स्ट आइए, पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है CO2 और जल वाष्प। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है CO2 और जल वाष्प। वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत वायुमंडल। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी लैटराइट। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी लैटराइट। वन अनुसंधान FRI स्थित है देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने। वायुमंडल की किस परत में तापमान समान रहता है? स्ट्रेटोस्फेयर में। वायुमंडल की किस परत में तापमान समान रहता है? स्ट्रेटोस्फेयर में। आकाश नीला दिखाई पड़ता है प्रकीर्णन के कारण। आकाश नीला दिखाई पड़ता है प्रकीर्णन के कारण। अगला आइए, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। गोबर गैस संयंत्र से निकलती है क्या? मिथेन गैस। गोबर गैस संयंत्र से निकलती है मिथेन गैस। वायुयान उड़ाने की दशा पाई जाती है समताप मंडल में। वायुयान उड़ानों की आदर्श दशा पाई जाती है समताप मंडल में। किसी भी परितंत्र में सबसे अधिक संख्या होती है प्रोड्यूसर गैस की। किसी भी परितंत्र में सबसे अधिक संख्या होती है प्रोड्यूसर की। पृथ्वी पर वायुमंडल का कारण है गुरुत्व। पृथ्वी पर वायुमंडल का कारण क्या है? गुरुत्व। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग,
पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट आयन के रूप में, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट आयन के रूप में। चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण से, चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्थित है भोपाल में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्थित है भोपाल में। मौसम को प्रभावित करने वाले कारक टेम्परेचर एयर और वर्षा, मौसम को प्रभावित करने वाले कारक ताप वायु और वर्षा। सबसे अधिक मौसम प्रभावित होता है चक्रवातों से, सबसे अधिक मौसम प्रभावित होता है चक्रवातों से। पराबैंगनी किरणों से हमें रक्षा करती है ओजोन परत, ओजोन परत को मापने की इकाई डॉप्सन, ओजोन परत को मापने की इकाई डॉप्सन। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, विश्व वानिकी मतलब फॉरेस्ट वाला दिवस 21 मार्च को। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैसें क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। रेडियो तरंग एवं विद्युत चुंबकीय तरंगे बहती हैं आयन मंडल में, रेडियो तरंग एवं विद्युत तरंगे बहती हैं आयन मंडल में। प्रकाश तरंगों के मापन की इकाई एंगस्ट्रम। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है आयन मंडल है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है आयन मंडल में। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन है, भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। भू प्रॉपर्टी पर जमीन पर ऑक्सीजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन। अब संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक DDT। अगला ये अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड। ओजोन परत मिलती है समताप मंडल में, ओजोन परत मिलती है समताप मंडल में। क्षारीय मृदा में उगने वाला पौधा कहलाता है हेलोफाइट, क्षारीय मृदा में उगने वाला पौधा कहलाता है हेलोफाइट। मरुस्थल में उगने वाला पौधा कहलाता है जेरोफाइट, मरुस्थल में उगने वाला पौधा कहलाता है जेरोफाइट। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है सौर विकिरण का, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है सौर विकिरण का। संचार उपग्रहण किस मंडल में अवस्थित होता है आयन मंडल में, ठीक है। चलिए तो ये सारा चीज़ तो आपको याद ही होगा, जो जो मेन मेन है वो हम करा देते हैं आपको, ठीक है। चलिए श्यानता गुणांक प्लीज जिसको बोलते हैं, कार्य ऊर्जा का जूल, शक्ति का जूल बाई सेकेंड, कोणीय वेग का रेडियन, कोणीय वेग का रेडियन पर सेकेंड, विद्युत ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जड़त्व आघूर्ण का किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर मीटर स्क्वायर, कोणीय संवेग का किलोमीटर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। चलिए अब इधर देखिए, बल का CGS यूनिट में होता है डाइन, दाब का डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, उष्मा का CGS यूनिट में कैलोरी। चलिए परम ताप का केल्विन, परम ताप का केल्विन। लेंस की क्षमता का यूनिट है डायोप्टर, अनुद्रव्यमान का मोल। चलिए देखिए अगला, प्रेरत्व का हेनरी, हेनरी जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, प्रतिरोध का ओम, विभव विभवांतर का वोल्ट, ताप का केल्विन। नेक्स्ट है आवृत्ति का हर्ज, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन, विद्युत आवेश का कूलम्ब, विशिष्ट चालकता का महो MHO, शक्ति का वाट, कार्य ऊर्जा का अर्ग या डाइन, लेंस की क्षमता का डायोप्टर। सब तो याद ही होगा आपको। चलिए विद्युत ऊर्जा किलोवाट पर पड़ा, समुद्री गहराई का फैदम, दूरी का प्रकाशवर, प्रतिदीप्त घनत्व का लक्स, प्रतिदीप्त घनत्व का लक्स, ध्वनि तीव्रता का डेसिबल, लेंस की क्षमता का डायोप्टर, ठोस कोण का स्टेरेडियन, ठोस कोण का स्टेरेडियन, ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन, ध्वनि तीव्रता डेसिबल, CGS यूनिट, समुद्री गहराई नॉट KNOT, चुंबकन का एम्पियर पर सेकेंड। क्लियर। चलिए आई होप सो दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर YouTube वीडियोज़, एंड दैट्स ऑल, थैंक यू। ये दो वीडियो आपकी पूरी साइंस को कवर अप कर लेगी, धन्यवाद।